जय हिंद साथियों, मेरे साथ हैं राम गोपाल जो BSF रेडियो मैकेनिकल से अभी ट्रेनिंग पूरी करके घर पधारे थे और इनका हमने इंटरव्यू डाला था। राम गोपाल आपका वेलकम करता हूं मैं। जय हिंद। पर आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए, आपकी क्वेश्चंस की मांग पे आज मैं राम गोपाल को ग्राउंड में इन्वाइट किया हूं और अपने चर्चाएं करेंगे। तो राम गोपाल जी, आपने भी देखा काफ़ी सारे कमेंट आए आपके वीडियो पे, तो आप हमें ये बता दीजिए कि RO के लिए जो मेन है योग्यता क्या चाहिए और भर्ती कब कब आती है? ये RORM की भर्ती आती है, रेडियो मैकेनिक हेड कॉन्स्टेबल की आती है, BSF हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की आती है। तो इसके अंदर जब भर्ती आती है तो इस बार RO के पद थोड़े ज़्यादा है, RM के पद कम है। RO और RM का फर्स्ट एग्ज़ाम होते हैं, एक ही दिन होते हैं और भर्ती लगभग 3 या 4 साल के बाद में आती है। तो जो है RO और RM का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है पर अलग अलग एग्ज़ाम होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, या तो 12th चाहिए आपको, उसमें PCM होनी चाहिए 60% से अबाव, या फिर आपकी ITI की होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी एग्ज़ाम हो, फॉर्म के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी इंग्लिश होता है, इंग्लिश और GK, ठीक है, ये आता है। तो इसका पोर्शन में फिजिक्स की ज़्यादा पोर्शन रहते हैं और केमिस्ट्री और मैथ्स के थोड़े कम रहते हैं उसमें, और GK और इंग्लिश रहती है। तो एग्ज़ाम पास करने के बाद में इसका फिजिकल होता है, फिजिकल में 1600 मीटर रेस होती है 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, और लॉन्ग जंप हाई जंप होता है। फिजिकल क्लियर करने के बाद में इसका मेडिकल होता है, मेडिकल नॉर्मल होता है, इतना कुछ ज़्यादा खास मेडिकल नहीं होता। ये ब्लड टेस्ट वगैरह, आई साइट और नोकनी, और ये नॉर्मल मेडिकल होते हैं, ज़्यादा कुछ मेडिकल में नहीं है। हाँ, आपको आई साइट अच्छे से चेक करना पड़ेगा। हाइट के अंदर आपको, मतलब अगर पॉइंट है ना तो पॉइंट से भी निकाल सकते हैं आपको। हाइट पूरी मांगते हैं इसमें, 165 है तो 165 कंप्लीट मांगते हैं उसमें, एक सेंटीमीटर भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा हाइट में। और उसके बाद में हाइट फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद में फाइनलिस्ट आती है। फाइनलिस्ट आने के बाद में महीने दो महीने के बाद में कॉल लेटर आ जाता है आपके पास, और कॉल लेटर के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जैसे अगर किसी के पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, सीधा ITI किया हुआ है 10वीं के बाद तो चल जाएगा? हाँ, अगर आपके पास 12वीं, जैसे कुछ लड़कों ने नहीं कर रखे होते हैं 12वीं या 12वीं आर्ट्स से कर रखे होते हैं, तो उनके पास अगर ITI से है तो वो चल जाएगा। और जब सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग शुरू होती है, ट्रेनिंग में बीच में आप छुट्टी देते हैं, वो आने देते हैं? हाँ, इसमें दो पार्ट्स में ट्रेनिंग होती है। पहले पार्ट्स में 6 महीने की, 6 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जो सेंटर इसमें जो आपका कोलेटर आएगा उस पर आपको सेंटर दे दिया जाएगा। उसमें 6 महीने की आपकी 24 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसमें 24 वीक की ट्रेनिंग में 12 वीक के बाद में आपको 10 दिन का मिड टर्म अवकाश मिलता है, और उसके बाद में ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है और वो हो जाती है। उसके बाद में आपका जब वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट होने लगती है तब आपकी एक और नेक्स्ट ट्रेनिंग का आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको 15 या 10 दिन का रेस्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू, मतलब अगले शेड्यूल के हिसाब से। तो उसके रेस्ट के बाद में आपको नेक्स्ट टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जो RO के लिए बेंगलोर में बुलाया जाएगा आपको, और RM के लिए दिल्ली में बुलाया जाएगा। और जो अभी आपने पूरी ट्रेनिंग कर ली है, दोनों ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई है, दोनों तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, अच्छा रहा कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फिजिकल ट्रेनिंग में थोड़ा सा तंग करते हैं, सोने नहीं देते, वैसा रहता है, पर जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो एकदम अच्छी ट्रेनिंग है। आपको पढ़ने का फुल मौका दिया जाएगा, आपको पूरी BSF के जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें ठीक करना सिखाया जाएगा। आपका वो 42 वीक का कोर्स रहेगा, और 42 वीक में आपको 2 बार मिड टर्म मिलेगा। और जो आगे, जैसे मतलब ये एक छुपी हुई वैकेंसी है, तो इसका पता कैसे चलता है? हाँ, ये आप पहले मान सकते हो कि पहले ये छुपी हुई वैकेंसी रहती थी, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी आती थी, पर अभी पिछले 2 या 3 बार से अपन देख रहे हैं तो ये ऑनलाइन वैकेंसी आती है। तो ऑनलाइन अगर आप साइट चेक, BSF की साइट चेक करते रहें, या फिर और जैसे फ्री जॉब अलर्ट या फिर ये सरकारी JL.com है, तो इन पर चेक करते रहें तो उसमें पता चल जाता है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आपका एक तो सपना पूरा हो गया वर्दी का, वर्दी का सपना पूरा हो गया। वर्दी हमने देखी दोनों, एक खाकी वर्दी भी आपको मिली। हाँ। और एक जो आर्मी की तरह जो ग्रीन वर्दी है, कैमो वर्दी है, वो भी आपको मिली। हाँ जी। तो कैसा फील हुआ? अब वर्दी का तो एक अलग रोग होता है, वर्दी पहनने से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अभी नॉर्मल खड़ा हूँ, वर्दी पहनने से थोड़ा जोश महसूस होता है। वर्दी का तो एक अलग शान है, रुतबा है। तो काफ़ी बच्चों की मांग थी कि हमें सर से मिलवाया जाए, सर से पूछा जाए, तो हमने आपको पूरा पूछ दिया है मेडिकल के बारे में। और सैलरी कितनी होती है, सैलरी के बारे में लड़कों कमेंट थे। सैलरी आपका इसमें 4th लेवल की सैलरी है, तो सैलरी के लिए आपका बेसिक पे है 25,500। तो बेसिक पे 25,500, तो आपकी अप्रोक्स सैलरी अगर आप जाओगे तो फर्स्ट वीक मेरी आई थी 35,000 कुछ रुपये आई थी, उसमें DA वगैरह लग के फर्स्ट सैलरी 35 के करीब आएगी। और जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आपकी सैलरी 40 के करीब करते करते पहुंच जाएगी, और जो दिल्ली में जाओगे आप, बेंगलोर में जाओगे, तब आपकी सैलरी 40 से 45 के बीच में आती है। तो अभी आपको पोस्टिंग कहाँ मिली? अभी मेरे को भुज पोस्टिंग मिली, गुजरात।
तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को प्राउड फील हुआ हमारी एकेडमी से निकले होनहार छात्र राम गोपाल आज अच्छे लेवल पे पहुंचे और ट्रेनिंग इन्होंने 2 साल की कंप्लीट की है। इन्होंने की फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी और दूसरा जो इक्विपमेंट ट्रेनिंग है वो भी होगी। हाँ जी, सारी कंप्लीट। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं गया उस दिन, हमने मल्यार्पण किया भाई का, माल्यार्पण कर स्वागत किया, स्वागत किया हमारा। मैं भी बहुत हो गया कि जिनसे सीखा था वही आज मेरा वेलकम करने आए हैं, तो अच्छा लगा। और आपके कमेंट्स आए तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बच्चों के लिए बना देते हैं। हमने पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि और कुछ पूछना है, कोई बुक वगैरह या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर देना, हम मैं या राम कल भाई टाइम निकाल के आपका जवाब जरूर दें। हाँ जी सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।